यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस सतर्क होती नजर आ रही है और इसी के चलते डीजीपी मर्डी ने कहा कि कानून व्यवस्था सुचारू करने के लिए सभी थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। डीजीपी ने निरीक्षण के दौरान सदर थाना में अव्यवस्थाओं और कमियों को लेकर अधिकारियों और कर्मियों की जमकर क्लास भी लगाई है और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को सुधारने के भी आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, नशे के खिलाफ ऊना पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसे लेकर ऊना पुलिस की तारीफ भी की गई है। इस मौके पर एसपी दिवाकर शर्मा, एएसपी अमित शर्मा और डीएसपी अशोक वर्मा भी उपस्थित रहे। डीजीपी ने थाने में स्वच्छता को लेकर भी सजग रहने के निर्देश दिए हैं और थाने का रिकॉर्ड भी चेक किया और करीब 2 घंटे तक थाने में व्यवस्थाएं जांची और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस विशेष अभियान चलाए हुए है और इसमें सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। ये तो लगातार प्रयास जारी है और इसी प्रयास के एक पार्ट है कि अलग अलग जिले में जाके पुलिस स्टेशन का सरप्राइज विजिट करें और पुलिस की जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है इनके रोल के बारे में पता करें और इसी प्रयास के तहत मैं आया हूँ। नशे के खिलाफ ऊना जिला वालों ने आज बड़ा अच्छा काम किया है और इसमें जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सीजर काफ़ी बड़े हैं, नंबर ऑफ़ केसेस भी बड़े हैं और स्कूलों में जाके ऑफिसर्स एजुकेट कर रहे हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जा रहे हैं और स्कूल के बाहर जितने भी ढाबे हैं या जो छोटा मोटा दुकानें हैं उसके सर्च कर रहे हैं और जो सस्पिशियस लोग जो स्कूलों के आसपास जाते हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। और